Hello students, I am Raman Sethi and we are going to start chapter number 9, that is force and laws of motion of 9th class science. क्या जो 9th class science का chapter number 9 start करने जा रहे हैं, chapter number 9 force and laws of motion. ठीक है, तो chapter number 8 हमने पढ़ा था जो था motion के ऊपर. तो उस chapter में हमने क्या क्या discuss किया था कि motion क्या होता है, rest क्या होता है, types of motion कौन कौन से हैं, uniform motion, non-uniform motion, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सब चीजें हमने चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन के अंदर हमने डिस्कस की थी. तो आज हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो ये भी अगेन फिजिक्स का चैप्टर है. तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि फोर्स, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है, यानी पुश पुल और हिट अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट और शेप इज कॉल्ड फोर्स. फोर्स क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं या हिट करते हैं, किस लिए, ताकि उसकी स्टेट चेंज की जा सके. स्टेट कौन सी, मोशन की स्टेट या फिर रेस्ट की स्टेट. अगर वो मोशन में है, हम उसको रेस्ट में लाना चाहते हैं, तब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे. रेस्ट में है और मोशन में लाना चाहते हैं, तब भी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी. या फिर किसी ऑब्जेक्ट की हम शेप चेंज करना चाहते हैं, तो उस टाइम भी हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे. तो जो फोर्स लगाएंगे वो किस फॉर्म में होगी, या तो पुश होगा या पुल होगा या क्या होगा, हिट होगा, तो वो क्या कहलाएगी, फोर्स. ठीक है, तो ये होगी फोर्स की डेफिनेशन. तो एग्जाम्पल, अगर हम किसी डोर को ओपन करना चाहते हैं, तो डोर को ओपन करने के लिए या तो हम डोर को पुल करेंगे या पुश करेंगे, जिस तरह से भी डोर का सिस्टम है. तो अगर मान लो ड्रोर है, अलमीरा के अंदर ड्रोर लगे हुए हमारे, तो डोर को ओपन करना है तो हम डोर को पुल करेंगे, और क्लोज करना है तो डोर को, ड्रोर को पुश करेंगे. तो ये पुश या पुल लगा रहे हैं हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. इसी तरह से रेफ्रिजरेटर का गेट खोलने के लिए हम उसको पुल करते हैं, और क्लोज करने के लिए हम उसको पुश करते हैं. तो पुश या पुल जो है हमारी लाइफ का एक पार्ट है, जिसके जरिए हम फोर्स लगाते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स क्या क्या कर सकती है, फोर्स की वजह से क्या कुछ किया जा सकता है. तो फोर्स की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी. फोर्स जो है किसी भी स्टेशनरी बॉडी को, ऑब्जेक्ट कोई जो रेस्ट कंडीशन में है, उस ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है. कैसे, कि अगर सपोज करो कि अगर हमारे आसपास कोई बॉल पड़ी है जो कि रेस्ट कंडीशन में पड़ी है, तो अगर हम उस बॉल को किक करते हैं तो बॉल मोशन में आ जाएगी. तो हमने क्या किया, फोर्स लगाकर उस रेस्ट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, उसको मोशन में ले आए. तो फोर्स ने क्या किया, स्टेशनरी बॉडी को मूव करवा दिया. नेक्स्ट फोर्स क्या कर सकती है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, कि किसी चलती हुई बॉडी को रोक सकती है फोर्स. कैसे रोकेगी, कि सपोज करो कि हमारे पास कोई बॉल दूर से चलती हुई आ रही है, तो हमने उस बॉल को कैच कर लिया या पकड़ लिया, तो क्या कर दिया, हमने इस बॉल को रोक दिया, यानी कि वो मोशन में थी जिसको हमने रोक दिया. उसके अलावा हम साइकिल चल रही है, साइकिल चलती हुई साइकिल को हमने ब्रेक लगाई और रुक गई, तो फोर्स लगाने पे हमने बॉल को, सॉरी बाइसाइकिल को रोक दिया, मोशन में जो ऑब्जेक्ट था उसको स्टॉप कर दिया, रेस्ट में ले आए. देन थर्ड फोर्स क्या कर सकती है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है. एग्जाम्पल कि एक फील्ड, जो बॉलर है, बॉलर बॉल को बैट्समैन की तरफ फेंकता है, तो बैट्समैन क्या करता है, उसको अपने बैट से जब हिट करता है तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. पहले जो बॉल आ रही थी वो बॉलर से बैट्समैन की तरफ आ रही थी, अब बैट्समैन ने हिट किया तो बॉल जो है बैट्समैन से दूर चली गई, डायरेक्शन चेंज हो गई. इसी तरह से हॉकी के अंदर, फुटबॉल के अंदर हम बॉल की डायरेक्शन को बार बार चेंज करते हैं. तो क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और मोशन चेंज कर सकते हैं फोर्स लगाकर. नेक्स्ट फोर्थ हम क्या कर सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, कि फोर्स लगाकर हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को, मोशन को चेंज कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. एग्जाम्पल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम उसके पीछे से उसी डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगा दें, तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. तो फोर्स लगाने के बाद हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि फोर्स की वजह से हम ऑब्जेक्ट का साइज और शेप जो है चेंज कर सकते हैं. एग्जाम्पल कि हम टूथपेस्ट में से टूथपेस्ट बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, उस टूथपेस्ट को प्रेस करते हैं. तो प्रेस करते हैं तो हम अपनी दोनों फिंगर्स के बीच में रख के उसको पुश करते हैं, तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगी. फोर्स लगने की वजह से वो टूथपेस्ट बाहर आएगी, जिसकी वजह से टूथपेस्ट की जो ट्यूब है, उस ट्यूब की शेप जो है चेंज होगी. इसी तरह से बैलून के ऊपर
इन्फ्लेटेड बैलून है हमारे पास, उस इन्फ्लेटेड बैलून के ऊपर या एक फुटबॉल के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं, प्रेस करते हैं उसको, तो उसकी शेप जो है चेंज हो जाती है। तो फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज किया जा सकता है। तो ये होगी हमारा टॉपिक कि फोर्स क्या होती है और फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, कि फोर्स की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्स के टाइप कौन कौन से हैं। फोर्स जो है हमारे बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक बैलेंस फोर्सेस एंड दूसरा अनबैलेंस फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्सेस क्या होती है, देखो बैलेंस फोर्स नहीं है, बैलेंस फोर्सेस है, यानी कि मोर देन वन फोर्स है, एक सिंगल फोर्स नहीं है। तो बैलेंस फोर्सेस क्या होती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारी फोर्सेस लग रही, टू और मोर देन टू फोर्सेस लग रही होती है, तो वो सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट नेट इफेक्ट जो आएगा, अगर वो जीरो आता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, बैलेंस फोर्सेस है। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल अप्लाइड फोर्सेस इज जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस लग रही है उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट मतलब टोटल जीरो आए, तो उन बैलेंस उन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्सेस बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल आपको देता हूं, उससे पहले मैं इसको रख कर देता हूं। तो एक टेबल पर अगर हमारे पास कोई वुडन ब्लॉक पड़ा है, तो इस वुडन ब्लॉक पे कोई अगर पर्सन इधर से पुल कर रहा है इस वुडन ब्लॉक को विद फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। अब ये न्यूटन क्या है, फोर्स को मेजर करने के लिए ऐसे यूनिट है। तो 5 न्यूटन की फोर्स से इस डायरेक्शन में मूव पुल कर रहा है, और एक कोई दूसरा पर्सन है वो भी इस ब्लॉक को वुडन ब्लॉक को 5 न्यूटन की फोर्स से अगेन मूव पुल कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्सेस अपोजिट फोर्सेस हैं एंड लेकिन उनका अमाउंट जो है इक्वल है। तो दोनों अपोजिट फोर्सेस है, इक्वल अमाउंट है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगी दोनों फोर्सेस और नेट रिजल्ट क्या रहेगा, अगर इस डायरेक्शन वाली फोर्स को प्लस 5 ले ले और इस डायरेक्शन वाली फोर्स को माइनस 5 ले ले, तो प्लस 5 एंड माइनस 5 मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो न्यूटन के हमारे पास नेट फोर्स आई, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ना तो लेफ्ट साइड मूव करेगा ना राइट साइड मूव करेगा। तो इस तरह से ये दो फोर्सेस जो है लग रही है वो क्या है, बैलेंस फोर्सेस का एग्जाम्पल है। तो जरूरी नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ टू ही फोर्सेस लग रही हो, मोर देन टू फोर्सेस भी लग रही सकती है। तो जब जितने भी फोर्स लग रही हो उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो होगा तो क्या होगी, बैलेंस फोर्सेस होगी। ठीक है जी। अब बैलेंस फोर्सेस का यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएं तो हम उसकी मोशन की स्टेट को रेस्ट में नहीं ला सकते, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और हम उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएं तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं ला सकते, यानी कि बैलेंस फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है। लेकिन बैलेंस फोर्सेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई बैलून है, उस बैलून के ऊपर या फिर फुटबॉल है या बैलून है, तो उसके ऊपर हम अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, 5 न्यूटन की फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाई और 5 न्यूटन की फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाई, तो दोनों से क्या होगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट है बीच में वो कंप्रेस होगा। तो ऑब्जेक्ट के कंप्रेस होने से क्या होगा, उसकी ऐसे साइज इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे साइज कम हो जाएगा, तो मतलब उस ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज जो है चेंज होगा। तो बैलेंस फोर्सेस का यूज करके हम ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को तो चेंज कर सकते हैं बट स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनबैलेंस फोर्सेस। अब अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती है, बैलेंस फोर्सेस आपने समझ ली, उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, अनबैलेंस फोर्सेस होगा, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही है तो उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो ना हो तो तब क्या होगा, वो सारी फोर्सेस को क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस फोर्सेस बोलेंगे। व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल अप्लाइड फोर्सेस इज नॉट जीरो, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, 3 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, 2 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, 7 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो सारी फोर्सेस का सम कितना हुआ, या इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लेते हैं, तो जो इनवर्ड फोर्सेस आ रही है उनको अगर हम पॉजिटिव फोर्सेस ले लें और आउटवर्ड फोर्सेस को अगर हम नेगेटिव ले लें, रिजल्टेंट क्या होगा, प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 एंड ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है उसको क्या ले लेंगे, माइनस।
So 5 or 7, 12 or 3, 15 minus 2, 13 न्यूटन की हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई जो कि जीरो नहीं आई। इट मींस ये सारी फोर्सेस मिलकर क्या बनाएगी, अनबैलेंस फोर्सेस का ग्रुप बनाएगी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस लग रही हो तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। फोर्स क्या होती है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, हमने ये डिस्कस कर लिए। देन बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस हमने डिस्कस कर लिए। ओके, जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। अब गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था, गैलीलियो साइंटिस्ट का नाम है जिसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था मोशन को स्टडी करने के लिए। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो उसने क्या किया कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो इंक्लाइंड प्लेन लिए, इंक्लाइंड प्लेन मतलब जो ओब्लिकली तिरछे ऐसे दो प्लेन लिए जो कि फ्रिक्शन लेस सरफेस थी। फ्रिक्शन लेस सरफेस मीन्स इनके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं था, बिल्कुल स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट थे प्लेन जो थे, तो फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं था, फ्रिक्शन जीरो था इनका। तो क्या किया उसने कि दोनों को एक ग्राउंड सरफेस के साथ टच कराकर रखा, इस तरह से इंक्लाइन करके रखा कि दोनों के जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल एंगल आए। मान लो अगर ये एंगल इसने 40 डिग्री लिया तो यहां भी 40 डिग्री लिया, इधर अगर 60 लिया तो इधर भी 60 लिया, तो दोनों एंगल इक्वल लिए। तो अब उसने क्या किया कि ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट पे, तो ये हाइट से इसने क्या किया कि एक बॉल गिराई नीचे की तरफ, तो बॉल यहां पर स्ट्राइक करी, यहां पर स्ट्राइक करने के बाद जब उसने ऑब्जर्व किया तो दूसरी साइड पर ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई यहां से टकराने के बाद, और वो उतना ही ऊपर गई जितना ऊपर यहां पर ये बॉल इस ग्राउंड लेवल से है। अब ये ग्राउंड लेवल से मान लो एक्स वाई मीटर की डिस्टेंस पे है, तो अब ये भी वाई मीटर की डिस्टेंस पे एंड हाइट तक ही ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ कि ये वाली हाइट भी इस बॉल ने इक्वल अमाउंट में अटेन करी, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी यहां से लेकर यहां तक आने की, और इस बॉल ने यहां से टकराने के बाद जब यहां वापस गई ऊपर की तरफ गई तो यहां तक जाने की ये जो डिस्टेंस थी ये भी इक्वल थी। अब इस डिस्टेंस को मैंने एक्स ले लिया, इस डिस्टेंस को भी एक्स ले लिया, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके इस बॉल ने इक्वल हाइट अटेन कर ली फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये कब हुआ, जब दोनों के जो इंक्लाइंड प्लेन थे दोनों के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम थे, ये जो एंगल जो थे वो बराबर थे। लेकिन अब उसने नेक्स्ट टाइम क्या किया कि इस का एंगल तो उतना ही रखा, इस प्लेन का एंगल तो उतना ही रखा, लेकिन ये जो नेक्स्ट प्लेन लिया, ये जो इंक्लाइन प्लेन लिया, इसके एंगल को डिक्रीज कर दिया, बल्कि इसको और ज्यादा स्लैंट कर दिया। अब इसको और डिक्रीज कर दिया तो ये एंगल छोटा हो गया। तो अब क्या किया उसने, अगेन यहां से बॉल नीचे गिराई, तो अब ये जो बॉल यहां पर स्ट्राइक करी दोबारा से ऊपर जाने लगी, तो अब वो बॉल ने क्या किया, ये डिस्टेंस तो इक्वली अटेन करी, मतलब ये जो हाइट तो अभी भी वाई ही कवर करी, वाई हाइट जितना ही बॉल ऊपर गई, लेकिन अब उसने डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करी, उसने एक्स वन डिस्टेंस ट्रेवल करी, और ये जो एक्स वन की वैल्यू होगी वो इस एक्स से ज्यादा होगी, एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स। तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करके उस बॉल ने उतनी ही हाइट अटेन करी जितनी हाइट पर से वो बॉल गिराई गई थी। नेक्स्ट उसने फिर क्या किया, इस प्लेन को और ज्यादा एंगल डिक्रीज कर दिया, एंगल और छोटा कर दिया, तो अब फिर से यहां से बॉल गिराई, तो अब वो बॉल फिर से y मीटर की डिस्टेंस ही कवर करने के लिए ऊपर गई, मतलब y मीटर की हाइट ही उसने दोबारा से अटेन करी, लेकिन अब उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी x2, अब वो x2 की वैल्यू x1 से भी ज्यादा हो गई, तो x2 हमारा x1 से भी ग्रेटर, और x1 जो था वो x से ग्रेटर था, ही पहले बताया था आपको। फिर उसने एंगल और डिक्रीज किया, तो एंगल डिक्रीज किया, तो अब दोबारा से बॉल को गिराया वहीं से, तो फिर से वो बॉल उतनी ही हाइट पर ऊपर गई। तो बॉल हर टाइम क्या कर रही है कि हाइट इक्वल अटेन कर रही है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल कर रही है, और हर बार जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होता जाएगा वो डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा आती जा रही है, हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो फाइनली इसने क्या किया कि उस इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टली रख दिया, ग्राउंड लेवल के साथ भी रख दिया। तो अब उसने क्या किया कि यहां से बॉल गिराई, तो बॉल यहां पर टकराई, उसके बाद सीधा मूव करती गई। अब क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस सरफेस था, फ्रिक्शन सरफेस होने की वजह से वो बॉल क्या करेगी, अपनी
सेम हाइट को अटेन करने की कोशिश करेगी, जिस हाइट से उसको गिराया गया था उतनी हाइट तक जाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो सरफेस ओरिजेंटल है तो वो हाइट उसको कभी भी मिलेगी नहीं, तो वो हाइट उसको कभी भी मिलेगी नहीं, तो वो बॉल क्या होगी, पूरी जिंदगी घूमती रहेगी, बॉल मूव करती जाएगी। और किस लिए मूव कर रही है, वो अपनी उसी हाइट को अटेन करने के लिए जिस हाइट से उसको गिराया गया था, और वो हाइट उसको पूरी जिंदगी मिलेगी नहीं, इसलिए वो पूरी जिंदगी मूव करती रहेगी। तो क्या हुआ, अब ऐसा किस लिए हुआ कि ये जो सरफेस था वो फ्रिक्शन लेस सरफेस थी, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस की वैसे ऐसा हुआ। तो यानी कि तुम क्या बोल सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमारे पास फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में कंटिन्यू रहेगा, और अगर वो रेस्ट पे पड़ा है तो वो रेस्ट में पड़ा रह जाएगा, अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही उसको रोकने के लिए। लेकिन एक्चुअल में आपने ऐसा भी देखा क्या कि आप एक बॉल को नीचे जमीन पे छोड़ दो मूव करवाकर, और वो कभी भी रुके ही ना, तो थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाती है ना वो, या फिर हम एक बाइसाइकिल को पैंडल मारते हैं, थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाते हैं वो साइकिल, अगर पैंडल मारना छोड़ दें उसको। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि रस्ते में फ्रिक्शन भी लगा होता है, कि बॉल ये साइकिल और जो ग्राउंड सरफेस है दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो ये कंडीशन कब होगी, जब फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन जीरो होगा तब। तो इस बेस पे गैलीलियो ने एक टर्म निकाली जिसको नाम दिया गया इनर्शिया। अभी इनर्शिया क्या चीज होती है, तो इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद ए पर्टिकुलर वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो भी वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, और वो अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी इस एबिलिटी को चेंज नहीं करता, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो उसकी टेंडेंसी क्या करने की, टू रजिस्ट मतलब अपोज करने की। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है और उसको मोशन में लाना चाहते हैं, तो हम उसको मोशन में लाना चाहते हैं लेकिन वो मोशन में आने को रजिस्ट कर रहा है, मतलब अपोज कर रहा है, मोशन में नहीं आना चाहता। और इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसको हम रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने आप को मोशन से रेस्ट में नहीं लाना चाहता, या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसको उस डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है, इनर्शिया। कि कोई ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन की एबिलिटी को चेंज करने को रजिस्ट करता है, अपोज करता है, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया जो होता है बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे भी मैंने आपको बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को भी अपोज कर सकता है चेंज करने को, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने को भी अपोज कर सकता है, और अपनी वेलोसिटी को चेंज कर अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी अपोज कर सकता है। तो इसके बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया बन गए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा, किसी डेफिनेशन को आप दोबारा से लिख दोगे, मोशन को डायरेक्शन को छोड़ दोगे, रेस्ट रेस्ट को लिख दोगे, कि टेंडेंसी ऑफ एन अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है, हम उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, तो वो अपनी स्टेट अगर चेंज नहीं कर पा रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस मोशन की को हम चेंज करना चाहते हैं, मोशन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, या फिर उस ऑब्जेक्ट को रोकना चाहते हैं और वो उसको नहीं रोकने दे रहा, तो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं और उसके अंदर डायरेक्शन चेंज करने को अपोज कर रहा है, वो रोक रहा है कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करने दे रहा, तो हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो इस इनर्शिया के बेस पे जो था हमारे न्यूटन साइंटिस्ट थे, न्यूटन ने तीन लॉ बनाए, तो उनको बोला जाता है लॉज ऑफ मोशन। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होती है, तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं और कितने टाइप की होती है, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, वो सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया लॉज ऑफ मोशन। तो इस इनर्शिया के बेस पे न्यूटन ने फर्स्ट लॉ बनाया, जिसको बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर लॉज ऑफ मोशन भी बोले, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोल देते हैं। और इस लॉ का एक और नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसको लॉ ऑफ इनर्शिया इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनर्शिया की डेफिनेशन कोई चोरी करके इसने ये अपना फर्स्ट लॉ बना दिया था। तब क्या लॉ था ये,
डेफिनेशन आप देखोगे कंपेयर करोगे तो ऋषिकेश से मिलती जुलती डेफिनेशन है क्या. इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल रिमेन इन द रेस्ट और इफ इट इज इन द मोशन इट विल रिमेन इन मोशन और इफ इट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इट विल रिमेन इन दैट डायरेक्शन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगा. अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहने की कोशिश करेगा. कब तक करेगा वो कोशिश? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए उसको चेंज करने के लिए. अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए, मोशन में है तो रेस्ट में लाने के लिए या स्पीड को चेंज करने के लिए, और अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए. जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो उसी कंडीशन में रहेगा जिस कंडीशन में वो ऑलरेडी था. अगर वो रेस्ट में था तो रेस्ट में, मोशन में था तो मोशन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में था तो उसी डायरेक्शन में. तो इस चीज को क्या बोला जाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है. तो यही डेफिनेशन तुम्हारी इनर्शिया की थी, इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये इनर्शिया को ही एक्सप्लेन कर रहा है. तो अब इसके न्यूटन फर्स्ट लॉ को प्रूव करने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं हम, तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर एग्जांपल. अब अगर आपको इनर्शिया के एग्जांपल देने हो या फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ के एग्जांपल देने हो तो वो दोनों में कॉमन काम आएंगे आपकी. फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. एग्जांपल है अगर कोई पर्सन स्टैंडिंग व्हीकल में खड़ा है, किसी मान लो बस में खड़ा है और वो बस अभी रेस्ट कंडीशन में है, तो उसके ऊपर अगर बस एकदम से स्टार्ट होती है तो क्या होगा? हम पीछे की तरफ गिरते हैं. एग्जांपल फर्स्ट वी फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ बस एट रेस्ट स्टार्ट्स सडनली. कि अगर बस एकदम से स्टार्ट हो जाती है और हम बस के अंदर बैठे हैं या खड़े हैं तो बस रुकी हुई थी पहले एकदम से स्टार्ट होगी तो हम क्या होंगे? पीछे की तरफ गिरेंगे, पीछे की तरफ हमें झटका लगेगा. तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन क्या है कि जब बस रेस्ट में थी तो हमारी पूरी बॉडी भी बस के अंदर ही बैठी थी, तो हमारी पूरी बॉडी भी रेस्ट में थी, हमारी बॉडी की लोअर पार्ट्स भी अपर पार्ट भी सारा का सारा रेस्ट में थी. लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो बस ने मोशन करना शुरू किया, तो बस के कॉन्टेक्ट में जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स थे, जो हम बस में बैठे थे या हमारे पैर जो बस के साथ टच कर रहे थे, बस के फ्लोर पे टच कर रहे थे, तो जो हमारी बॉडी के जो लोअर बॉडी पार्ट्स थे जो बस के कॉन्टेक्ट में थे, वो तो क्या हो गई? मोशन में आ गई. वो मोशन में आ गई और हमारे जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या है, उनके अंदर अभी भी वही टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे. क्यों? क्योंकि उनके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. तो यानी कि अपर बॉडी पार्ट में इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे, बट लोअर बॉडी पार्ट्स अलोंग विद द मोशन ऑफ द बस स्टार्ट्स इन मोशन. तो वो लोअर बॉडी पार्ट मोशन में आगे और अपर बॉडी पार्ट रेस्ट में आगे, तो क्या होगा? बस सरक गई और हमारे साथ नीचे वाले बॉडी पार्ट भी सरक गए और हम पीछे की तरफ झटका लगेगा. तो क्या होगा कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेंगे. और इसका पॉजिटिव भी होता है क्या? इसका पॉजिटिव क्या होगा कि अगर बस चल रही है और चलती बस में हम बैठे हैं, नॉर्मली बैठे हैं, तो क्या होगा? एकदम से अगर बस वाला ब्रेक लगाया था, आगे कोई दूसरा व्हीकल आ गया, कोई जानवर आ गया, तो बस वाला एकदम से ब्रेक लगाता है, तो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो हम कहां गिरते हैं? पीछे की तरफ या आगे की तरफ? आगे की तरफ गिरते हैं ना, तो आगे जो हैंडल लगे होते हैं उसके ऊपर हमारा सिर जाके टकराता है. तो वो क्या होगा? इसका पॉजिटिव हो गया ना. कैसे? उसको कैसे लिखोगे? व्हेन वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन when a bus in motion suddenly applies brake. कि जब बस में एकदम से ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं. तो क्यों?
क्योंकि जब बस मोशन में थी तो हम भी बस के साथ साथ मोशन में थे, लेकिन जैसे ही बस रेस्ट में आई, बस ने ब्रेक लगाई, तो जो लोअर बॉडी पार्ट्स जो थे हमारी बॉडी के, जो कि बस के कॉन्टेक्ट में थे, वो तो रेस्ट में आ गई, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट क्या थे, मोशन में थे, तो उनके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये टेंडेंसी होगी कि वो मोशन में रहने की कोशिश करेंगे अभी भी। तो अपर बॉडी पार्ट अभी भी मोशन में है, लेकिन लोअर बॉडी पार्ट रेस्ट में आ गए तो क्या होगा, हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो जिसकी वजह से अपर बॉडी पार्ट मोशन में होंगे आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन लोअर बॉडी पार्ट रेस्ट में आ गई तो हम आगे की तरफ गिरेंगे। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया हमारा। तो इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि जब हम किसी व्हीकल में बैठ रहे हैं, कोई गाड़ी में जा रहे हैं, तो हमें एडवाइस किया जाता है कि हम सीट बेल्ट डालकर जाएं। उस सीट बेल्ट डालने से क्या होगा, जब एकदम से ब्रेक लगानी पड़ेगी तो हम जो हमारी बॉडी आगे की तरफ गिरेगी, तो वो सीट बेल्ट क्या है, हमें आगे एकदम से हाई स्पीड के साथ आगे जाने से रोक लेगी, तो हमारा एक्सीडेंट की वजह से जो नुकसान होगा वो कम होगा, हमारे हेड को इंजरी जो है वो कम होगी। इसी तरह से जो बस के ऊपर जो सामान रखा जाता है, लगेज रखा जाता है, पहली बात रखना ही नहीं चाहिए, अगर रखना भी है तो एडवाइस किया जाता है कि उसको बांध कर रखो, रस्सी से धागों से बांध कर रखो, तो किस लिए, ताकि एकदम से ब्रेक लगे तो वो सामान आगे की तरफ ना गिरे, ठीक है। तो हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। उसके अलावा जब हम कोई चलती बस से उतरते हैं, जब बस चल रही है, चलती बस से अगर कोई उतरता है, पहली बात उतरना नहीं चाहिए, सेफ नहीं होता, तो अगर उतरते हैं तो क्या होता है, आगे की तरफ गिरते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं ना, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब बस चल रही थी तो बस के साथ साथ हम भी चल रहे थे, लेकिन जैसे ही हम बस से उतरे, जंप किया, तो हमारे पैर एकदम से जमीन पे आ गए, रेस्ट में आ गए, तो हमारे पैर तो रेस्ट में आ गए, लेकिन अपर जो बॉडी पार्ट थी वो मोशन में है अभी, क्योंकि बस के साथ साथ हमारी बॉडी वही मोशन में रहने की टेंडेंसी में होगी, ड्यू टू इनर्शिया मोशन, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरेंगे। तो इसलिए पहली बात तो बस चलती बस से उतरना नहीं, और अगर उतरना भी पड़े तो क्या करो, जैसे ही बस से जंप करोगे तो एकदम से नहीं रुकना, बस के साथ साथ जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उसी डायरेक्शन में थोड़ी देर भागो, और धीरे धीरे अपने आप को स्लो करो, ताकि आपको चोट ना लगे, ताकि आपको अपनी रेस्ट, अपने आप को रेस्ट में लाने में थोड़ा टाइम लगे, और एकदम से बॉडी का बैलेंस ना बिगड़े और आप नीचे की तरफ, आगे की तरफ ना गिरो, ठीक है जी। देन थर्ड एग्जांपल, वी टेंड टू मूव टू फॉल ऑन द अपोजिट साइड देन आवर विजिबल टर्म्स कि जब हम किसी गाड़ी में, कार में, बस में बैठकर जा रहे हैं, तो अगर बस हमारी एकदम से सडन टर्न लेती है, अगर मान लो वो बस लेफ्ट की तरफ टर्न लेती है एकदम तेज स्पीड से, तो हमारी बॉडी क्या होगी, राइट साइड में गिरने की कोशिश करेगी, और अगर बस एकदम से राइट साइड पे टर्न लेती है तो हमारी बॉडी लेफ्ट साइड पे टर्न करेगी, मतलब जिस डायरेक्शन में टर्न हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी फॉल करती है, गिरती है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट डायरेक्शन की वजह से। अब क्या होगा कि बस अगर स्ट्रेट मूव कर रही थी तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी भी स्ट्रेट मोशन में थी, लेकिन जैसे ही बस ने टर्न लिया, तो बस ने तो टर्न ले लिया, तो उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के लोअर बॉडी पार्ट थे वो भी टर्न कर गए, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करने की टेंडेंसी में होंगे अभी, तो जिस वजह से हमारी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में गिरेगी। अच्छा, ये थर्ड एग्जांपल हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कि आप कैरम बोर्ड तो सबने खेला होगा ना, तो कैरम बोर्ड में आप क्या करते हो कि जब एक पाइल बनाकर रखते हो, कैरम बोर्ड की जो पाइल स्विच होती है, उन कैरम बोर्ड की गीटियों का यूज करके आप पाइल बनाते हो, जो उस पाइल को स्ट्राइकर से जब हिट करते हो तो क्या होता है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब बहुत ज्यादा तेजी से स्ट्राइक करते हो तो ओनली नीचे नीचे वाली जो गीटी है वो निकल जाती है, वो गिर जाती है, कॉइन जो है स्ट्राइकर से टकराने के बाद गिर जाता है, लेकिन अपर वाली जो कॉइन्स है वो एज इट इज पड़े रहते हैं, वो नहीं गिरते, सारे खिंडते नहीं, उधर बिखरते नहीं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि जो अपर पहले तो क्या था, जैसे ही हमने सारे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर जचाकर रखे हुए थे तो सारे के सारे रेस्ट में थे, लेकिन जैसे ही हमने स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया, वो स्ट्राइकर उन कॉइन्स को जाके स्ट्राइक किया, तो सबसे पहले वो नीचे वाले कॉइन को स्ट्राइक करेगा ना, तो नीचे वाले कॉइन को स्ट्राइक किया, उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसको मोशन में ले आया, तो वो तो मोशन में आ गया, तो वो निकल गया नीचे से, लेकिन जो अपर कॉइन्स थे उनके अंदर क्या था, वो अभी भी रेस्ट में रहने की टेंडेंसी में थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, तो वो रेस्ट में रहेंगे, तो एज इट इज नीचे गिर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, लेकिन इधर उधर बिखरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। तो इससे क्या हुआ,
यहां पर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है। व्हेन वी स्ट्राइक द पाइल ऑफ कॉइंस ऑफ कैरम बोर्ड ओनली लोअर कॉइन मूव्स बट नॉट ऑल। जब हम स्ट्राइकर से कॉइन को स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, ओनली लोअर जो कॉइन है वो मूव करता है, अपर कॉइन्स मूव नहीं करते। तो ये क्या हो गया, हमारे अलग अलग एग्जाम्पल्स, हमने मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स डिस्कस कर दिए, एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको बोलकर भी बता दिए, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी तरह से आप अपनी तरफ से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हो, फिजिक्स जो है एग्जाम्पल से बड़ी बड़ी है हमारे, तो फिजिक्स के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमारी आसपास की लाइफ से ही मिलते हैं, तो कुछ और एग्जाम्पल्स भी आप अपनी तरफ से सोच सकते हो। तो मैं आपको सारे के सारे एग्जाम्पल तो नहीं बता सकता, तो क्योंकि एंडलेस एग्जाम्पल्स हैं, मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए, तो इससे हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ का टॉपिक जो है वो कम्प्लीट हो गया। ठीक है जी, तो ओके, हैव अ नाइस डे। बाकी के टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।